ग्रामीण क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ग्रामीण परिवारों के भू स्वामियों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम करने के संकल्प के साथ शुरू की गई थी। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि संबंधी संपदा की मैपिंग करती है और ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाना, संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करना और ग्रामीण भारत के नागरिकों को अपनी संपत्ति को ऋण और वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना है। यह योजना सर्वेक्षण बुनियादी ढांचे GIS मानचित्र बनाने और संपत्ति कर निर्धारित करने का भी प्रयास करती है। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। अब तक 29 राज्यों ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 31 मार्च 2022 तक हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख राज्यों या केंद्रीय शासित राज्यों के लगभग 29,263 गांवों को करीबन 36 लाख संपत्ति कार्ड या टाइटल डीड जारी किए गए हैं। साथ ही 31 मार्च 2022 तक लगभग 1.20 लाख गांवों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। शेष गांवों को मार्च 2024 तक ड्रोन सर्वेक्षण से इसके अंतर्गत लाया जाएगा। सही मायने में स्वामित्व योजना ग्राम स्वराज के लक्ष्य को हासिल करने और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम है।